हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल जीरो स्टडी पर। तो चलिए देखते हैं क्लास टेंथ का 8 दशमलव प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। ठीक है, इससे पहले का क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, देखिए सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। देखिए प्रश्न ए में क्या दिया है, 9 sec² a - 9 tan² a = इसमें बताना है किसका किस मान के बराबर है। इसमें ए में 1 दे दिया है, बी में 9 दे दिया है, सी में 8 दे दिया है, डी में 0 दे दिया है। इसमें निकाल कर बताना है। तो चलिए लिख लेते हैं प्रश्न को। देखिए यही है, ठीक है कि नहीं? हाँ लिख लेते हैं, उतार लेते हैं। ठीक है, 9 sec² a - 9 tan² a हो गया। देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें में, 9 क्या कर लेते, कॉमन ले लेते, क्या बच जाएगा, sec² a - tan² a। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि sec² a - tan² a बराबर क्या होता है, 1 होता है, पहले सूत्र में देख लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 9। 9 क्या होगा आंसर, 9 किस में है, तो बी ऑप्शन पर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही कर लेंगे। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 + tan θ + sec θ * फिर दिया है 1 + cot θ * sec θ बराबर है, ठीक है कि नहीं? इसको देखिए हल में लिख लेते हैं, इसको उतार लेते हैं। 1 + tan θ + sec θ फिर 1 + cot θ - cosec θ, ठीक है कि नहीं? बराबर लिख लेते हैं। 1 + साइन का सूत्र बताए थे, क्या होता है, sin θ / क्या होता है, cos θ होता है, जोड़ का जोड़। sec θ का सूत्र बताए थे, तो 1 / क्या होता है, cos θ होता है, फिर घेरा लगा देंगे। देखिए 1 + cot θ का सूत्र क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है, तो cos हो जाएगा ऊपर, cos θ / क्या होता है, sin θ होता है, फिर यहाँ घटावे तो घटाओ घटा। इसका सूत्र क्या होता है, cosec θ का, तो 1 / sin θ सूत्र होता है, ठीक है कि नहीं? अब देखिए जिसकी एक छिपा है, एक के नीचे क्या छिपा है, एक छिपा है, तो बटा का जोड़ घटा बना लेंगे, जोड़ में जोड़ घटा में तो घटा। देखिए 1 का cos θ फिर cos θ का लस क्या हो जाएगा, तो cos θ लस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? देखिए 1 में cos θ भाग देते हैं, पहले भाग होता है उसके बाद गुना होता है, तो भाग देंगे तो यही आएगा, यानी cos ही आएगा, cos में 1 से गुना कर क्या हो जाएगा, cos θ हो जाएगा, फिर जोड़ का जोड़, इसमें इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, sin θ बच जाएगा, फिर देखिए इससे इससे कट जाएगा क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा, या घेरा में तो घेर लगा दे। इसमें देखिए इसमें भी कॉमन ले लेंगे, यानी कि लॉस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, इसमें भागा देंगे तो साइन आएगा, साइन में थीटा हो जाएगा, फिर साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, cos θ बच जाएगा, फिर घटा घटा, ये क्या बच जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब देखिए इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ठीक है कि नहीं? इसको भी मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। देखिए क्योंकि जब जानते हैं लोग क्या, a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है, पहले देख चुके हैं, ठीक है कि नहीं? देखिए इसको माने ए, यानी कि cos a + sin a, तो इसे क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, cos θ + sin θ क्या कर लिख लेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे, और फिर घटाव होता है, तो घटाव 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/2, उसके बाद इसमें इसमें क्या करें, गुना कर लेंगे, यानी कि cos θ * क्या हो जाएगा, sin θ, ठीक है कि नहीं? उसके बाद देखिए यह क्या है, a + b का सूत्र जानते होंगे। देखिए a + b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, तो a² + b² + 2ab, ये क्या हो जाएगा, यानी कि cos θ² + sin θ² अब प्लस क्या होता है, 2 * a का मान क्या है, cos a है, cos θ * sin θ, अब माइनस का
उसके बाद माइनस, तो माइनस एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, होता है कि नहीं। उसके बाद देखिए, या कॉस थीटा का इंटू साइन थीटा का थीटा। अब जानते हैं क्या, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसकी जगह पर लिख लेते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, होता है कि नहीं। तो यहाँ लिख लेते हैं, देखिए इसकी जगह पर क्या लिख लेते हैं, वन लिख लेते हैं, और फिर जोड़ का जोड़, यह हो गया टू इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस एक का एक हो गया, 12/12, यह हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए उसके बाद देखिए, ये प्लस में एक है या माइनस में एक है, यानी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी क्या करते हैं काट देते हैं, तो क्या बच गया, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पहले लिख लिया या बाद में लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको काट देते हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बच गया, दो बच गया, क्या हो गया, दो। इसमें दो है, देखिए इसमें दो किन नंबर पर, सी नंबर पर, क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इसके बाद क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा है, सी के प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है सी के, ए ऑप्शन में दिया है, बी में साइन ए, सी में कॉस ए के, और डी में कॉस ए, देखना है किसके बराबर आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, सी के प्लस 10 ए, ठीक है कि नहीं, फिर 1 माइनस साइन साइन ए, देखिए कॉस ए का सूत्र क्या होता है, तो 1/cos a होता है, देखिए उसके बाद साइन 10 a का सूत्र क्या होता है, तो साइन ए 1/cos a होता है, देखिए 1 माइनस साइन a का ये रहने दीजिए, क्योंकि इसका जरूरत यहाँ हो जाएगा, देखिए इसमें बटा का जरूर बना लेंगे, तो कॉस ए का लॉस क्या हो जाएगा, देखिए तो cos a ही हो जाएगा, देखिए इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक होगा, अब प्लस साइन ए का ये हो जाएगा, क्योंकि इसे कट जाएगा तो यही ना, कि बचेगा, तो 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यह ऊपर हो गया, देखिए यहाँ गुना छिपा है, लेकिन क्या एक है कि नहीं, कुछ भी नहीं है तो एक छिपा हुआ है, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, देखिए अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस, देखिए तो ए प्लस बी हो गया, और फिर ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, या चूंकि छूट गया, चूंकि लिख लें, ठीक है, नहीं चूंकि लिख लेंगे, तो क्या होता है, ए प्लस बी या ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, देखिए यानी कि ए का जगह क्या है, एक है, एक का स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा साइन का स्क्वायर, ए है तो ए लिख लेंगे। उसके बाद नीचे क्या बच गया, कॉस ए में एक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, देखिए उसके बाद कॉस स्क्वायर एक का स्क्वायर क्या होगा, एक हो जाएगा, या साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब बताइए हम जानते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, लिखते हैं, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है, सूत्र पहले देख चुके हैं, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख क्या हो जाएगा, कॉस देखिए यह स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है कि नहीं। अब देखिए यह कॉस स्क्वायर ए है, इसको दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, तो कॉस ए अगुने कॉस ए भी लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, कॉस ए है, एक उससे एक कट गया तो क्या बच गया, कॉस ए बच गया, कॉस ए इसमें आंसर है, देखिए इसमें ऑप्शन है डी नंबर पर, क्या नंबर, डी नंबर, तो डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए फिर बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर t बराबर है, इसमें देखना है किसका बराबर है, क्वेश्चन लिख लिए, देखिए 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए और 1 + cot² ए। देखिए इसका सूत्र होता है, क्या होता है, जो कि 1 + tan² ए बराबर होता है sec² ए। देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² θ होता है। तो क्या लिखता है, sec² या ए है तो ए लिखने के, तो क्या हो जाएगा इसका मान, इसकी जगह क्या हो जाएगा, sec² ए हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए 1 + cot² ए है, इसका भी सूत्र होता है, देखिए 1 + cot² ए क्या होता है, sec² ए होता है, यानी cosec² ए होता है। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पर, cosec² ए होता है। यहाँ पे लिख देखते हैं, चूंकि 1 + cot² ए बराबर क्या होता है, cosec² ए हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद देखिए इसका सूत्र क्या होता है, देखिए 1 / cos² ए होता है कि नहीं, एक है एक बड़ा बटा दे देंगे, इसका सूत्र क्या होता है, 1 / sin² ए होता है, sin² क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको बदलेंगे, इसको रहने देते हैं, देखिए 1 + cos² ए, देखिए ये 12 बटा है, तो 12 बटा को जब गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा ऊपर, एक हो जाएगा नीचे, ठीक है कि नहीं। तो sin² ए और बटा एक का एक, एक से एक कट गया तो क्या बच गया, sin² ए, sin² ए और बटा क्या बच गया, cot² ए। तो sin² ए और cos² ए बराबर क्या होता है, tan² ए होता है, होता है कि नहीं। तो देखिए इसमें tan² ए है किसका, क्या इसका है, डी ऑप्शन। देखिए इसमें डी में क्या दिया है, tan² ए, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन।